अध्यक्ष होने के नाते यहाँ के पत्रकारों की जो समस्याएं हैं, कल उनको बखूबी मैंने अच्छी तरीके से सारे पत्रकारों के स्पीच द्वारा मुझे मालूम हुई कि यहाँ के पत्रकारों के क्या क्या समस्याएं हैं। तो अध्यक्ष होने के नाते मैं अपनी भी बात कुछ करना चाह रहा था आप लोगों से। मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ के पत्रकारों में जो यूनिटी है, मेरे ख्याल से प्रदेश के किसी भी ज़िले में श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की इतनी यूनिटी मुझे अभी तक नहीं दिखाई पड़ी। तो मुझे लगा कि यहाँ पर चला जाए मुरादाबाद और मुरादाबाद में आप सबसे सारे पत्रकारों से मिला जाए। देखिए, अब चुनाव नज़दीक आने वाला है और सबको पता है कि IFWJ की इकाई है UPWJ, जो IFWJ प्रदेश का सबसे बड़ा संगठन है पत्रकारों का, और उसी इकाई में हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। पत्रकारों ने क्या क्या सुझाव रखे जिनका आपने? नहीं, सुझाव जो पत्रकारों ने रखा है उस सुझाव तो सबसे अच्छा सुझाव तो मुझे यह लगा कि यहाँ का प्रेस क्लब एक तो नहीं है, आप लोगों को बैठने की जगह नहीं यहाँ पर। प्रेस क्लब विगत कई वर्षों से यहाँ बंद चल रहा है। आज मैं सुबह सुबह सबसे पहले मैंने कमिश्नर को फ़ोन किया, कमिश्नर ने इत्तेफाक से मुझे बुलाया और मैं उनके पास गया। मैंने कहा यहाँ के पत्रकारों के लिए कुछ वैसी व्यवस्था कराइए, प्रेस क्लब बंद चल रहा है लेकिन बैठने की जगह नहीं है। तो उन्होंने कुछ सुझाव दिया कि नहीं, जल्दी मैं इस बात को करूँगा और नहीं तो मीडिया सेंटर, मैं स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो योजनाएँ हमारी बन रही हैं, जो भी हम टावर यहाँ बना रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसमें स्मार्ट सिटी का भी स्मार्ट सिटी में पत्रकारों के लिए मीडिया सेंटर की भी व्यवस्था कर रहे हैं। तो उन्होंने एक नई बात बताई तो मुझे अच्छी लगी इस बात को सुनकर के। उसके बाद हम नगर आयुक्त से मिले, नगर आयुक्त से भी इसी संदर्भ में मिले कि प्रेस क्लब तत्काल खुलवाया जाए, और उन्होंने भी कहा कि इस बात का संज्ञान हमारे दिमाग में है और हम पत्रकारों के हितैषी हैं, पत्रकारों के से मिलते जुलते रहते हैं, हम उनकी उनकी समस्याओं पर कोई वो नहीं आने देंगे। तो जी देखिए, पूरे प्रदेश में इतना बड़ा संगठन है UPWJ का, तो हमारा ये वक्त है कि चुनाव नज़दीक आने वाला है, विधानसभा चुनाव हमारे बिल्कुल 4-5 महीने बाद होने वाला है। हम ये चाहेंगे कि सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से, राजनीतिक दलों के आकाओं से, उनसे हम कहेंगे कि पत्रकार सुरक्षा कानून की बात अपने अपने घोषणा पत्र में लागू करने की बात कहें, उसको मेंशन करें, क्योंकि हम लोग उनके लिए बहुत कुछ करते हैं, वो भी हमारे लिए करें। और पत्रकार सुरक्षा कानून की बात पूरे देश में बहुत जोर शोर से तरीके से पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होना चाहिए, इस पर हमारा भी पूरा गौर है, हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि पूरे देश में कम से कम कई राज्यों में पत्रकार पेंशन योजना, चाहे वो राज्य स्तरीय का हो चाहे जिला स्तरीय का हो, हमारी ये मांग है सरकार से कि जिस तरीके से राज्य स्तरीय पत्रकारों को पेंशन दी जा रही दूसरे राज्यों में, उसी तरीके से UP में राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय पत्रकारों को भी अविलंब पेंशन की घोषणा की जाए या लागू की जाए। और जो है, जो पत्रकारों के सामने समस्याएं आती है, हर जिला सूचना कार्यालय में एक ऐसी आपात निधि की व्यवस्था की जाए, जो पत्रकारों की आवश्यकता पड़ने पर उनकी जो है तत्काल मदद की जाए। होता क्या है कि तत्काल मदद पत्रकारों को मिलती नहीं है, जिसकी वजह से बड़ी समस्याएं क्रिएट होती हैं, ये हमारी मांग है। अच्छा, क्योंकि सुझाव तो बहुत सारे हैं, लेकिन सरकार की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं उस पर किसी भी तरह का जो काम होना चाहिए धरातल पर, वो कहीं नहीं हो पाता। क्या लीडर माने और उन्हें किस तरह से धरातल पर लाने का? देखिए, कोरोना काल में हम लोगों के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है पत्रकारों के सामने, विशेष रूप से। अभी हमारे कोरोना काल में कई साथी दिवंगत हो गए थे और हमारे और उत्तर प्रदेश राज्य मुख्यालय मानता समिति कमेटी के अध्यक्ष हेमंत तिवारी जी के प्रयास से, यूनियन के प्रयास से, मुख्यमंत्री जी ने दिवंगत पत्रकारों के परिवारों को 10-10 लाख रुपये की सहायता उपलब्ध कराई है। ऐसा नहीं कि सरकार हमारे अगेंस्ट, हमारे फेवर में, हमारे काम कर रही, हमारी बात सुन रही है। और सरकार की मैं तारीफ करूंगा कि कम से कम जो है दिवंगत पत्रकारों के परिवारों को एक आर्थिक सहायता पहुंचाने का कार्य किया है। अब अगर बात करें, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे हिंदुस्तान में भी लगातार पोर्टल जो न्यूज चल रहे हैं उनको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या उस कैटेगरी में कहीं ना कहीं यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन कुछ काम करेगी? यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट ये मांग करती है, मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में ये पहली बार है जो उत्तर प्रदेश सरकार ने पोर्टल को मान्यता दी है और पोर्टल का रजिस्ट्रेशन भी किया जा रहा है। और विशेष रूप से जो सहगल साहब और ACS हमारे जो सूचना के हैं, नवनीत सहगल जी और शिशिर जी ने जो कार्य किया है पोर्टल के लिए, पोर्टल की मान्यता अभी तक किसी सरकार ने नहीं की, ये पहली सरकार है जिसने पोर्टल की मान्यता दे दी है। और पोर्टल को जो है वो आर्थिक सहायता भी हर महीने
विज्ञापन के माध्यम से प्रोवाइड कर रही है। पोर्टल की मान्यता अभी तक नहीं हुई थी, लेकिन इस सरकार में पोर्टल की मान्यता भी होने जा रही है। अच्छा, इसके अलावा और कोई नई जो रणनीति है पत्रकारों के हित में कुछ? देखिए, अभी अभी पत्रकारों के हित में सबसे बड़ी रणनीति क्या कहेंगे उसको, कि मान्यता कमेटी इसमें नहीं है। मान्यता कमेटी की मैं मांग करता हूँ जल्दी जल्दी मान्यता कमेटी का अविलंब गठन हो, जिससे कि जिले की मान्यताओं के सारे प्रकरण जो लंबित हैं उस पर कोई भी कुछ विचार करके उनकी समस्याओं का दूर किया जाए।